नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भगवान की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने कल आपको संज्ञा करवाई थी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं संज्ञा को। संज्ञा किसे कहते हैं? इस संसार में जितने भी नाम हैं, यानी कि किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। और इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई भी नाम न हो, यानी कि हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आइए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमारे संसार में, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो और हर भाषा की अलग अलग नियम होते हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा के अपने अपने अलग नियम होते हैं। और उसे बोलने, लिखने और पढ़ने नियमों पर और पढ़ने के का ज्ञान कौन कराता है? हमें व्याकरण। हमारी बहुत सी भाषाएं हैं और हर भाषा के अपने अलग अलग नियम हैं। और उनका उन उसे बोलने उसी उस भाषा को बोलने, पढ़ने और नियमों का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। व्याकरण ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें भाषा की शुद्धता का और अशुद्धता का पता चलता है। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे दिनांक, दिनांक 7 अप्रैल 2020, कक्षा पांचवी, उपविषय क्या है मेरा? व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, तो मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, नंबर एक, घोड़ा दौड़े रही है। ठीक है, नंबर दो, मैंने यह काम नहीं करना है, मैंने यह काम नहीं करना है। ठीक है, नंबर तीन, विराट खेलता है क्रिकेट, विराट खेलता है क्रिकेट। पहला वाक्य मैंने लिखा, घोड़ा दौड़ रही है, मैंने यह काम नहीं करना है, विराट खेलता है क्रिकेट। तो बच्चों देखो, देखना यहाँ पहले वाक्य में किस कौन सी गलती हुई है, किस चीज की गलती हुई है? पहले वाक्य में घोड़ा क्या है इसमें? लिंग। घोड़ा क्या है? लिंग है। और ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के साथ कौन सी क्रिया आनी चाहिए इसमें? रहा है। तो घोड़ा लिंग संबंधी यहाँ पर गलती है, अशुद्धि है। किसके संबंधी अशुद्धि है? लिंग के संबंधी। तो ये क्या, कैसे लिखा जाएगा? ये घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। और दूसरे वाक्य में मैंने यह काम नहीं करना है, मैंने यह काम नहीं करना है, इसमें क्या गलती है, क्या अशुद्धि है इसमें? इसमें शब्द संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में किससे संबंधी अशुद्धि है? शब्द, यानी कि मैंने क्या है इसमें? शब्द। ठीक है, शब्द संबंधी, मुझे, मैंने की जगह क्या आएगा यहाँ पर? मुझे यह काम नहीं करना है।
समझ में। और तीसरे वाक्य में किसके संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर, इसमें पद क्रम, जो शब्दों का सही क्रम होना चाहिए उस क्रम से इस वाक्य को नहीं लिखा गया, तो इसमें शब्दों की अशुद्धि है, पद क्रम की इसमें अशुद्धि है। तो पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, दूसरे वाक्य में पद संबंधी अशुद्धि है, और तीसरे वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य को आगे पीछे लिखा गया है, शब्दों का जो क्रम है वो सही प्रकार से नहीं है। तो पहले वाक्य को हम कैसे लिखेंगे, नंबर एक, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसको रहा की जगह क्या जगह रहेगी, जगह रहा है, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, ये हमारा शुद्ध है। ऐसे ही मैंने जो क्या जाएगा, मुझे यह काम नहीं करना है, ठीक है, तो मैंने जगह क्या जाएगा, मुझे यह काम नहीं करना है, इसमें शब्द की गलती थी, शब्द संबंधी अशुद्धि थी। अब विराट खेलता है क्रिकेट, इसमें तो सारे शब्द उल्टे पुल्टे लिखे गए, शब्द संबंधी शब्दों का कर्म ही सही नहीं है, तो पद कर्म इसमें सही नहीं है, वो उसे संबंधी इसमें अशुद्धि है, ठीक है, पद क्रम सही नहीं लिखा हुआ इसका, तो इसको कैसे लिखेंगे, विराट क्रिकेट खेलता है, हो गया। अब देखिए, अब ये वाक्य जो है हमें किससे पता चले कि इसमें किस चीज की गलतियां हैं, कौन कौन सी गलतियां इन वाक्यों में, व्याकरण के द्वारा, किसके द्वारा इन अशुद्धियों का पता चला हमें, व्याकरण के द्वारा। तो देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है, अर्थात व्याकरण वह साधन है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है और उसको शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी का पता चलता है, जानकारी का बोध होता है, और हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाता है। तो देखिए, मैं ये बोर्ड पर लिखती हूँ इसकी परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी का पता चलता है और भाषा को शुद्ध बोलना पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं, इसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी का पता चलता है और भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, व्याकरण आपकी समझ में आ गई होगी, सारे बच्चे इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है, बाकी काम हम कल करेंगे। धन्यवाद।